गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहदिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पीरियड, जो रीजनिंग के ऊपर आधारित है, जिसमें हम मैथ की रीजनिंग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 30 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 6 प्लस 30 माइनस 20 प्लस 10 माइनस डिवाइडेड बाय 5 इनटू 6। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन प्लस का है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो जैसे कि हमें मालूम है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमें एक मेथड के अडॉप्ट करना पड़ता है जिसको गुड मास बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था कि गुड मास के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है, मीन्स ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें ब्रैकेट ओपन का तो कोई ऑप्शन है नहीं, ब्रैकेट इसमें हमें दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम इसको स्टेप वाइज लेके चले तो ब्रैकेट वाले ऑप्शन को छोड़ने के बाद आता है हमारे पास डिवाइड, मींस हमें सबसे पहले डिवाइड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो डिवाइड वाला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे, 30 प्लस एज यूजुअल रखा आपने 30 को प्लस इसको डिवाइड किया 20 को किसके साथ, 4 के साथ। तो हमें मालूम है 4 × 5 = 20, मींस इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5 सॉल्यूशन आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद आगे का सिंबल हमारा मल्टीप्लाई का है, ये आ गया आपका 6, मींस 30 प्लस 5, 5 कहां से आया, इसको डिवाइड करने के बाद 5 को 20 को 4 के साथ डिवाइड करने से आपको 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे 6 आ गया आपका प्लस 30 माइनस 20 प्लस, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे किसको, 10 को, 10 को डिवाइड किया जाएगा किसके साथ, 5 के साथ। जब हमने 10 को 5 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 2 into 6। अब फार्मूले को अडॉप्ट करते हुए हम चल रहे हैं बोर्ड मास था ना, बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में ब्रैकेट तो आपको दिया नहीं हुआ, डिवाइड का आपने सॉल्व कर दिया है। डिवाइड के बाद अगला चलने का जो सॉल्यूशन है वो आता है आपका मल्टीप्लीकेशन का, मींस डिवाइड का तो इससे स्टेप में रोल खत्म हो गया। कैसे, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लीकेशन का आपका सिंबल था, यहाँ पे आ गया आपका 6 प्लस 30 माइनस 20 एज यूजुअल, क्योंकि पहले आपको डिवाइड वाला सॉल्व करना है। आगे आप चले तो 10 डिवाइडेड बाय 5 आपको मालूम है, 10 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो 2 आता है, कि 5 टू जा 10 होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका आंसर आ गया कितना, 10, ठीक है। 10 आंसर आने के बाद आगे था आपका मल्टीप्लीकेशन का सिंबल जो कि 6 पे आता है। अब हमने फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर दिया डिवाइड का, सेकंड पे हम चले जो कि आता है मल्टीप्लीकेशन का या एम जिसको बोला जाता है। तो एम की सीरीज में आप मल्टीप्लाई कर देखिए कौन कौन सा है, 1 और 2 है मल्टीप्लाई की। तो हमने एज यूजुअल लिख रहा 30 प्लस, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 6 = 30 आ गया आपका, प्लस 30 आपको दिया हुआ है और माइनस 20, ठीक है। अब प्लस का सिंबल था, 6 × 12 इस मल्टीप्लाई वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 6 × 12 यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में मल्टीप्लाई का भी आपका हो गया, अगला स्टेप देखिए आपका चलेगा एडिशन का। एडिशन में देखिए आपकी कौन कौन सी संख्याएं ऐड की है, जब किसी भी सिंबल का निशान किसी भी चिन्ह कोई भी चिन्ह आपको संख्या के आगे ना मिले, भाग का ना हो, गुणा का ना हो, प्लस का ना हो, माइनस का ना हो, तो आपको सीधे ही समझ जाना चाहिए
वो संख्या के आगे किस चीज का सिंबल है प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का 30 प्लस 30 कितने हो गए आपके 60, 60 प्लस बीच में एक सिंबल है 30 प्लस का और इसमें ऐड कर दिया आपने 30, तो 60 प्लस 30 कितने हो गए 90 और एक ये रहा प्लस वाला, तो 90 प्लस 12 ये कितने हो गए 102, कितना आ गया आपका 102। ये आपका सॉल्यूशन आया प्लस वालों का, ठीक है बेटा प्लस वालों का। माइनस का आपका एक था क्या 20, आपने लिख दिया माइनस 20, मींस ऐड वाले आपने अलग कर लिए, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 12 102 और 102 माइनस कर दिया आपने क्या 20। तो 102 में से जब आप 20 को घटाओगे तो ये आपका 2 और यहाँ पे 10, 10 में से 2 गए कितने मिल गए 8, आंसर आपका 82 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, ये नहीं है कि आपने सीधा इसको ऐड कर देना है, नहीं मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि जो आपको दिया हुआ है स्टेप वाइज बोर्ड मार्क्स आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि किसी के भी घर पे जाते हैं तो सबसे पहले उस शहर में जाया जाता है कि जिस शहर में किसी व्यक्ति का घर होता है, जहाँ पे आपको जाना है, फिर उस गली में पहुंचा जाता है, उस मोहल्ले में पहुंचा जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति के घर पे पहुंचा जाता है और उसी विधि को अपना के इस फॉर्मूले के द्वारा बोर्ड मार्क्स के द्वारा आप ऐसे क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर सकते हो। देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये हमें याद करना है। रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारी सबसे पहले जो बात होती है वो हमें स्ट्रेटेजी समझनी पड़ती है कि बंदा जो है किस मेथड से क्वेश्चंस को अडॉप्ट कर रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उसने यहां से इस सीरीज को स्टार्ट किया है, सीरीज को स्टार्ट किया, लेकिन कैसे स्टार्ट किया, जोड़ रहा है, घटा कर रहा है, भाग कर रहा है, गुणा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर हम इसको क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज का पता चलता है, क्या पता चलता है कि 1 × 1 जो होता है वो आपका 1 आता है, 1 × 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 × 2 2 × 2 कितना होता है 4, इसका स्क्वायर रूट यानी कि 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 4, सॉरी 1 हो गया और 2 का स्क्वायर रूट कितना हो गया आपका 2। तो आप इसको ये बता सकते हो कि स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग लेके चलना है। वैसे 3 का स्क्वायर 3 × 3 यहाँ पे कितना आ गया आपका 9 आंसर आ जाता है, मीन्स 1 का स्क्वायर रूट ये 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर रूट। आगे ये चला तो 4, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 का स्क्वायर रूट 4 × 4 मींस 4×4=16, ये वाला 1, 2, 3, 4 चार स्टेप आपने कवर कर लिए। वैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो 5 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 5×5 मींस 25, 25 आपका स्क्वायर रूट मिल जाता है। लास्ट वाली संख्या आपने यहां तक ज्ञात कर ले, ठीक है। अब 5 के बाद आपका जो आंसर है 6 आता है और 6 का स्क्वायर रूट 6×6 हो जाता है, 6×6=32,
सिक्स, तो यहाँ पे आपकी जो आंसर की सीरीज पूछी थी वो 36 से आ जाती है, और आगे वाले का आपका सिक्स के बाद मालूम है आपको क्या आता है, सेवन। तो सेवन की स्क्वायर रूट अगर आप याद करोगे तो 7 × 7 कितना होता है आपका 49 हो जाता है। तो इसमें आपसे 49 बल्कि कितना पूछा था, 6 का पूछा था, तो 6 का स्क्वायर रूट आपकी 36 हो जाती है, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद कि क्या बंदा पूछना चाह रहा है, आप उस चीज को समझने के बाद क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 12 + 23 = 15, 34 + 14 = 35, 27 + 53 = 72, और 42 + 36 =, ये हमें याद करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को, 12 + 23 कितना होता है 15, 34 + 14 35, 27 + 53 72, और 42 + 36 सॉरी हाँ 42 + 36 हमें याद करना है। अब आपको ये थीम समझनी पड़ेगी कि ये बंदा किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ये किस मेथड से इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। देखिए पहले वाला 12 + 23 को बता रहा है, ये कितना बता रहा है भाई, 12 + 23 को इसने बता दिया 15। अब ये कैसे आया 15, 15 कैसे आया कि 1 + 2 कितने हो गए 3, 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 + 2 कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। अब हमने क्या किया कि ये जो 1 + 2 हमें प्राप्त हुआ 3, और 3 + 2 प्राप्त हुआ, इसको गुणा कर दिया, 3 और 5 की गुणा करी, आंसर आ गया आपका 15। तो इस तरह से ये सिद्ध कर रहा है कि 12 + 23 = 15, क्यों, 2 + 1 = 3, और 2 + 3 = 5, और 3 की और 5 की अगर गुणा की जाए तो 15 उत्तर आता है। मींस ये बिल्कुल सही चल रहा है। वैसे ही इसने अगले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या किया, 34 + 14 को ये किसके बराबर सिद्ध कर रहा है भाई, 35। कैसे, 3 + 1 = 4, 3 + 1 = 4, और अगले वाला 4 + 4 = 16, 4 + 4 = 16। सॉरी, यहाँ पे मैं गलत लिख गया, 3 + 4 = 7, और 4 + 1 = 5, वो 3 के साथ 1 लिखा गया लेकिन 3 + 4 है। तो 34 + 14 किसको बता रहे, 35। कैसे भी कि 3 + 4 हो गए आपके 7, और 4 + 1 हो गया आपका 5, और मल्टीप्लाई करनी है जी जो हमें एडिशन का सॉल्यूशन मिल रहा है उसकी, तो 7 हमें प्राप्त हुआ, 3 + 1 = 4, और 4 × 1 = 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आ रहा आपका 35, जिसके हिसाब से ये कह रहा है कि 34 + 14 = 35। ठीक है, अगले स्टेप में ये चला तो इसने क्या किया भी, 2 × 2 + 5 = 7, अगले हम देखिए 27 + 53 को सिद्ध कर रहा है, कितना 72। कैसे भी कि
2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और अगले में 7 प्लस 3, इसको ऐड किया इसमें, सॉरी देखिए इसने इसको ऐड किया 2 प्लस 7, 7 प्लस 53, मल्टीप्लाई करें आपका आंसर जो कितना बराबर होता है 72, इसको प्रूव किया इसने कि 2 प्लस 7 को 9 कर दिया और 5 प्लस 3 को 8 कर दिया, जिसके कारण आपका आंसर 72 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही हम अगर इसको करें तो अगर इसको करें तो आपका क्या आएगा 2 4 प्लस 3 जो कितना होता है 7, और 2 प्लस 6 आपको होता है 8, और 8 7 into 8 जो है वो कितना हो जाता है 56, कितना हो जाता है 56 जो है आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये आपका 4 प्लस 2 जो है वो आपका 6 है, ठीक है, और 6 प्लस 3 जो है वो आपका 9 है, हाँ ये ठीक है। 4 प्लस 2 जो आपका 6 हुआ और 6 प्लस 3 जो है वो आपका 9 2 हो जाता है, और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 into 9 जो है वो 54 के बराबर होता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो 54 आ जाता है। तो ऐसे आप जो क्वेश्चन होते हैं उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको पता हो तो कि पूछने वाले की क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, आज के लिए इतने थे आपके लिए और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे पूरे मन से अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर अगर आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ मैं अगली कक्षा में, जय हिंद जय हिंद।